प्रेमिका, पति और मां, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। मेरा ऐप है, वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री डाउनलोडिंग है और आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं और वहां के ऑनलाइन कोर्सेस आप ले सकते हैं। आज मैं बातचीत करने वाला हूं कि प्रेमिका, पत्नी और माँ, ये जो सफर है और उसका क्या इम्पैक्ट होता है रिलेशनशिप में, उसके बारे में। क्या होता है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं, प्यार होता है, हो सकता है कि दो चार महीने, छह महीने, साल भर प्यार हो और बाद में वो शादी करते हैं। जब रिलेशनशिप में रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो जो प्यार है वो एक दूसरे के प्रति जो शारीरिक आकर्षण है उसके वजह से होता है। असली प्यार कितना है, एक्चुअली लव, और बायोलॉजिकल लव कितना है, ये डिफरेंशिएट करना बहुत कठिन है वैसा। मगर ज्यादातर वो जो प्यार है वो अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन है, उसका रहता है प्यार। और बाद में जब शादी हो जाती है, फिर 24 घंटे घर में है, फिर एक दूसरे को रियली जानना चालू करते हैं और फिर प्यार का टेस्टिंग तब हो जाता है कि सच्ची प्यार है क्या। एक साल तक तो मस्त टाइम जाता है, कितने भी एक दूसरे के दोष रहे तभी हम एडजस्ट कर लेते हैं, मगर कुछ ना कुछ खटखट फटफट घर में शुरू रहती है। कहता है कि लड़की अपना घर पूरा छोड़ के शादी करके इधर आती है, उसने सालों साल इतना अपना जो व्यक्तिमत्व बनाया हुआ है वो व्यक्तिमत्व बदल तो नहीं सकते यहाँ आने के बाद में। उसके प्रति घर के लोगों की अपेक्षा रहती है, उसने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, डिसिप्लिन में, वो अलग संस्कार से आई हुई है, तो फिर यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। प्यार जो बायोलॉजिकल अट्रैक्शन है वो तो पहले कुछ महीने में निकल जाता है, क्योंकि एक बार बायोलॉजिकल अट्रैक्शन निकल गया मतलब अपोजिट सेक्स की तरफ का अट्रैक्शन निकल गया मतलब सेक्स रोज करते हैं, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन होता है, एक बार वो समाधान निकल गया, फिर असली स्वभाव जो है वो बाहर आते रहते हैं। फिर वो जो एक साल है वो महत्व का है कि कितना प्यार है, कितने दोष एक दूसरे में देखते हैं, कितने झंझटे झगड़े होते हैं, कितना एडजस्टमेंट घर में होता है। वो एक महीना, एक साल जो है वो एक महीने में आप अपने बारे में एक दूसरे को जानना, पहचानना, लोगों मतलब एक दूसरे को जानना और उसके बारे में जानकारी करके एडजस्टमेंट करना बहुत महत्व का रहता है, और वो नहीं किया तो प्रॉब्लम होते हैं। अच्छा, ये जो समझने की प्रक्रिया एक साल की है उसमें समझो एक आधा बच्चा हो गया और वो माँ बन गई। अब क्या होता है कि जो बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में पाला पोसा, अभी वो पैदा हो गया, अब पत्नी का पूरा आकर्षण, पूरा ख्याल बच्चे के तरफ होता है, वो अभी माँ बन गई है, अब उसका बाकी तरफ कोई ख्याल रहता नहीं है। उसके पति को लगता है कि देखो अभी तो मेरे तरफ देखती भी नहीं, पूछती भी नहीं, मेरी केयर भी लेती नहीं, सब ख्याल जो है वो बच्चे के तरफ है। उसको लगता है कि नहीं, मुझे बच्चे के तरफ देखना ही है, मुझे करियर भी मेरा महत्व का नहीं है। काफी क्वालिफाइड लड़कियां रहती है और वो अपना साल दो साल तो अपना करियर भी चालू नहीं करती क्योंकि बच्चों को बड़ा करना है, फिर हस्बैंड की तरफ भी देखना होता नहीं है, और फिर झगड़े यदि रहे तो फिर वो झगड़े और ज्यादा बढ़ जाते हैं, थोड़े थोड़े झगड़े हैं, ज्यादा रूपांतर उसका बड़ा होता है। हस्बैंड अपने इसमें बिजी है कि नहीं, मुझे करियर बनाने का है, पैसा कमाना है, और पैसा क्यों कमा रहा हूँ, शादी, फैमिली, घर, बच्चा, उनके लिए कमा रहा हूँ और उनको कीमत ही नहीं, वो तो अपने तरफ देखते भी नहीं है। यहाँ एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। तब सभी मुझे सभी शादीशुदा लोगों को बताने का है कि भाई आप एक दूसरे को समझ लो, एक दूसरे को लिसन करो। फैमिली मेंबर को मुझे बोलना है कि लड़की अपना पूरा खानदान छोड़ के यहाँ आई हुई है तो उसको भी एडजस्टमेंट करने के लिए टाइम दो। वो अपना एक प्रेयसी, बाद में पत्नी और बाद में माता, रोल इतना फास्ट चेंज हो गया, उसमें एडजस्टमेंट करना भी उसका होता नहीं है। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत डालो, क्योंकि आप बहुत स्ट्रेस डालेंगे, बहुत प्रेशर डालेंगे तो मानसिक समस्या होने की चांसेस ज़्यादा है। तो समझ लेना एक दूसरे को, एक दूसरे के वर्ल्ड में जाना, एक दूसरे को लिसन करना, एक ही है तो सबका जीवन आनंदमय, खुशियों का, शांति का, समाधान का हो जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर नए शादीशुदा जो लोग हैं उनको शेयर करो, ताकि उनका एडजस्टमेंट हो जाएगा। और हमारा जो मकसद है कि सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, व्यसन मुक्त भारत, इसमें आप भी हमारे पार्टनर बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।